नगर निकाय के चुनाव 2023 में वार्ड 67 के बर्रा पश्चिम से खड़े निर्दलित प्रत्याशी कुमारी सिरोही जी, इनका चुनाव चिन्ह है त्रिशूल। आइए देखते हैं उनसे उनके क्षेत्र के बारे में क्या है, समस्याओं के बारे में राय। सिरोही जी, सबसे पहले हम ये चाहें अपने माध्यम से कहते हैं कि आप क्षेत्र के लोगों को अपना परिचय दें। नमस्ते, मैं वार्ड 67 से बर्रा प्रत्याशी कुमारी सिरोही बोल रही हूँ। मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैदान में आई हूँ। लोगों को मैंने लोगों के घर जा जा के देखा है, पूछा है, उनके एरिया में जाके पूछा है। पार्षद हमारे यहाँ का जो है उसने कोई काम नहीं किया है। उनकी शिकायतें सुनते हुए मैंने वहाँ जाके शिकायतें उनकी पूछी है, क्या है उनकी, क्या समस्या है उनकी। समस्या यही है कि उनकी घर की कभी नालियाँ नहीं साफ हुई, झाड़ू नहीं लगी, रोडों में जो गड्ढे हैं ये कभी नहीं भरे। वो 5 साल में कभी एक बार भी देखने नहीं आए। आज वो इतना परेशान है अपने पूर्व पार्षद से कि वो चाहती ही है कि वो दोबारा खड़े। और जो खड़े हो रहे हैं उनसे वो उम्मीद कर रही है कि कोई ऐसा प्रत्याशी आए, कोई ऐसा पार्षद आए जो उनके क्षेत्र का विकास कर सके। मैंने 5 साल इतना काम किया जनता के बीच में रह के, मैंने मौका उनसे मांगा कि एक बार मुझे मौका दे ताकि मैं उनके 5 साल का रुका हुआ काम पूरा कर सकूँ। नाली, चैम्बर, सीवर, झाड़ू जो कभी सालों में लगती नहीं है, महीनों में नहीं लगती है। उनके यहाँ का जो पार्षद वो कभी झाँकने नहीं जाता मुझे। बस यही समस्याएं, यही उनका विकास है, यही मुझे पूरा करना है। सुरभि जी, जैसे आपके पिताजी एक नेता है, उनको देखिए आपको प्रेरणा मिली कि शुरू से आपका ये मन था कि मुझे क्रांति लाना है? नहीं, उनको देख के प्रेरणा मिली है। वो बहुत संघर्ष किया है उन्होंने, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। 5 साल तो कुछ भी नहीं थे, उन्होंने अपना बचपन से पूरा बुढ़ापा अंदर इसी में भी बीत गया है। मैंने जो सीखा है वो उन्हीं से सीखा है। मतलब जिस तरह से आपके पिताजी कर्मचारियों के तक हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, उनकी समस्या देखते हैं, शासन प्रशासन से लड़ते रहते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं, उसी प्रकार से आप अपने क्षेत्र के वासियों के लिए कार्य करना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को प्रशासन के सामने और शासन के सामने रखना चाहते हैं, जिससे कि उनका शासन जो भी हो मैं उनके लिए ऐसी ही लड़ाई लड़नी जैसे मेरे पापा अपने क्षेत्र के विकास के लिए। वो समस्याएं उनकी यही है कि नाली में कूड़ा है, नाली साफ नहीं होती, चैम्बर भर जाता है बारिशों की वजह से, घरों में नाली का चैम्बरों का पानी घुस जाता है। यही समस्याएं हैं उनकी, और कोई समस्या है ही नहीं जो मैं हल कर सकूँ। बस यही समस्याओं के लिए मुझे मैदान में उन्होंने उतारा है, आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद देंगे तो भी करूँगी, नहीं देंगे तो भी करूँगी। जनता की सेवा के लिए आई हूँ, वो मुझे करना है। क्या आप मैसेज देना चाहते हैं जिससे कि वह इस वोट में, इस बार इलेक्शन में आपको वोट दें? मैं बस यही चाहती हूँ कि जो उनके पूर्व पार्षद ने कुछ किया नहीं है 5 साल, मैं नहीं चाहती कि उनके आने वाले 5 साल ऐसे बीते, फिर वो रोए, फिर वो परेशान हो, वही समस्या लेके कि आया ही नहीं पार्षद कभी हमारे घर झाँकने, हमारे मोहल्ले की झाड़ू लग जाए, सीवर साफ हो जाए, रोडे पार्क, कोई भी समस्या जो 5 साल से वो परेशान है, वो फिर से उनके लिए वही 5 साल दोबारा लौट के। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, वो जिताएंगे तो भी करूंगी, नहीं जिताएंगे उसके बावजूद भी मैं उनकी समस्या का समाधान ढूंढूंगी। ये थी कुमारी सिरोही जी, जिनके साथ हम बात कर रहे थे, वार्ड 67 बर्रा पश्चिम के निर्दलीय प्रत्याशी, जिनके अभी हमने विचार देखे। ये आम लोगों के बीच में जाके कार्य करना चाहती है जिससे कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को उसकी जो एक पार्षद के कार्य होते हैं उसके द्वारा क्षेत्र का विकास किया जाता है, इन सब के वहाँ लाभ मिल सके। ये अपने पिताजी के पदचनों पे चलना चाहती हैं, उनका अनुसरण करना चाहती हैं। जिस तरह से इनके पिताजी विभाग में कर्मचारियों के प्रति हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, उसी तरह ये अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कार्य करना चाहती, संघर्ष करना चाहती हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से इनकी सोच है, इस सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए जिससे कि देश का और समाज का थोड़ा सा भला हो सके। मैं कैमरामैन के साथ पीटीए न्यूज़ से समाधान सुनील कुमार खड़े हैं वार्ड 67 के बर्रा पश्चिम में। यहाँ के लोगों से जानते राय कि यहाँ पे नगर निकाय चुनाव को लेकर 2023 को क्या है उनकी राय, वह किस तरह का प्रत्याशी चुनना चाहते हैं। आइए बात करते हैं। देखिए, मैं इस वार्ड का निवासी हूँ और यहाँ पे पिछले कई वर्षों से देखता आया हूँ कि जितने भी पार्षद बने हैं सभी ने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन ये जो कुमारी सिरोही हैं, ये युवा प्रत्याशी हैं, ग्रेजुएट हैं, और आजकल युवाओं की डिमांड है कि युवा आएगा, काम ज़्यादा करेगा, ठीक है, यही सब है। बाकी आप क्या सोचते हैं जो कुमारी सिरोही जी खड़े हैं प्रत्याशी आपके क्षेत्र से? अभी जैसा कि भाई साहब ने अभी बोला है कि युवा हैं, और हमें ये लगता है कि आने वाला जो समय है उसके लिए युवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारा नाम आमिर है, हम भी वार्ड 67 में ही रहते हैं,
और जिस तरह की सामाजिक परेशानियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हम किसको बताएंगे जाके। हमारी उम्र का ही आदमी हमारी उम्र की बातों को समझेगा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है और कुछ नहीं। और हम तो चाहेंगे ही कि युवा है आगे बढ़े, जीते, सपोर्ट में हम लोग हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं, तो हम तो यही कहेंगे भाई कि हमारी सामाजिक परेशानियाँ तो हम इन्हीं से ही कहेंगे जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। क्षेत्रीय होता है ना कि पार्टी। आप देख सकते हैं कैसे युवा वर्ग जो है वो एक तरीके से कुमारी सरोही जी को सपोर्ट कर रहा है। देखते हैं अन्य लोगों की क्या राय इस बारे में। देखिए, ऐसा है कि सरोही जी अभी यंग लड़की है और अच्छा काम करेगी। दूसरा है क्या, प्रॉब्लम क्या है ना कि नाले भरे पड़े हैं, ये है वो है, प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, ठीक है ना। तो कम से कम उनका सोल्यूशन मिलना चाहिए, ठीक है ना। सीवर, नाले, सफाई का काम होना चाहिए। इससे पहले जो आपके क्षेत्र के पार्षद रहे उन्होंने इन सब समस्याओं नहीं काम कराया है उन्होंने, लेकिन उस स्तर पर नहीं हुआ है जिस स्तर पर होना चाहिए। मतलब इस क्षेत्र की आपकी उपेक्षा की गई, इसे यही है कि सफाई का आदेश होनी चाहिए, नाले को लेकर और पार्क को लेकर काम होना चाहिए। जो कुछ हुआ है कुछ नहीं भी हुआ है, बट उसको होना चाहिए। भाई आप क्या कह रहे हैं? हमें अपने में जहाँ तक विश्वास है, जो पिछले हमारे पार्षद रहे हैं उन्होंने पिछले 5 सालों में किसी की सुनी ही नहीं है। जो भी उनके पास गया है उन्होंने सीधे वही वर्ड कहे कि हमको वहाँ से वोट ही नहीं मिला है। तो इसलिए हम लोग उनसे तो बिल्कुल ही खुश नहीं हैं, और इसीलिए हम लोगों ने यही सोचा है कि अब की हम चाहते हैं कि नया नवयुवक ही चुने, और उचित भी हमारे लिए यही है सिरोही जी, और हम चाहते हैं कि इन्हीं लोग इन्हीं को सभी लोग मिलकर विजयी बनाएं और इनको ही अब की का पार्षद चुने। तो आप उम्मीद करते हैं कि सिरोही जी के पार्षद बने जाने से आपके क्षेत्र की समस्याओं का उसका समाधान प्लस पॉइंट हमारे पास ये जा रहा है कि देखिए ये वैसे भी नगर निगम में प्रॉपर हैं भी, ठीक है, और इनको कार्य करने में